रामपुर शाहबाद के चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से की अपील, डरे नहीं, कोरोना का सावधानी से करें मुकाबला। मुरादाबाद में पीपलसाना रेलवे क्रॉसिंग के पास दो बाइकों से टकराई सवारी गाड़ी, बाइक सवार चार घायल। रामपुर में राष्ट्रीय अभिभावक संघ की बिलासपुर इकाई ने स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से परीक्षा के नाम पर की जा रही वसूली के खिलाफ छेड़ा अभियान। रामपुर के शाहबाद क्षेत्र में बेटी की हत्या करने वाले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मुरादाबाद की कांट रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे आधार कार्ड बनवाने। अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा संपूर्ण स्वराज अभियान के दूसरे चरण को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कांट विधायक राजेश कुमार चुन्नू को सौंपा मांग पत्र। रामपुर जिलाधिकारी की बैठक में उपस्थित बैंकर्स को किया गया निर्देशित कि सरकार की मंशा का करें पालन, स्वरोजगार योजना में त्वरित मुहैया कराएं ऋण। भीषण गर्मी और उमस के चलते स्वार रामपुर के लोगों का जीना हुआ दुभर, बिजली की अघोषित कटौती से लोगों में रोष। अब एटीएम से पैसे निकालने पर ग्राहकों को अपने साथ रखना होगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बिना ओटीपी डाले नहीं निकलेंगे पैसे। बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं में दिखा गुस्सा, प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा और तोड़फोड़, पुलिस ने बल प्रयोग कर दो दर्जन से अधिक युवाओं को किया गिरफ्तार। नोएडा में धारदार हथियार से युवती की हत्या, पहचान छुपाने के लिए चेहरे को कुचला, सेंट्रल जोन 2 के थाना सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना। दिल्ली के आनंद विहार से गोरखपुर जा रही डबल डेकर बस ड्राइवर की झपकी आने से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पलटी, एक की मौत, 50 घायल। गौतम बुद्ध नगर के नेशनल हाईवे पर दौड़ती वैगनार कार में अचानक लगी आग, मिनटों में स्वाहा। योगी सरकार ने पहले डिटेंशन सेंटर को दी मंजूरी, गाजियाबाद के एक हॉस्टल में रखे जाएंगे विदेशी। हरदोई में समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिला अध्यक्ष राम ज्ञान गुप्ता की अगुवाई में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के मौके पर पकौड़े की दुकान लगाकर पढ़े लिखे युवाओं और बेरोजगारों ने देश और प्रदेश की सरकारों से की रोजगार की मांग। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने दी बधाई, कहा बनी रहे श्री राम की कृपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर भाजपा सेवा सप्ताह के तहत गोरखपुर सदर से बीजेपी विधायक राधा मोहन दास ने की नाली साफ, बेलचा लेकर भरा कूड़ा। मुरादाबाद में शिव सैनिकों ने बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति और वारंट के गिरफ्तारी वाले कानून को वापस लेने हेतु मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन प्रथम अमावस्या पर श्रद्धालुओं का हर की पौड़ी पर पहुंचना लगातार जारी, डुबकी लगाकर व्रतों को किया गया तर्पण, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की खूब उड़ी धज्जियां।